मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में बढ़ती चोरी की वारदातों के बीच में पुलिस ने चार नकबजनों को पकड़ने में सफलता पाई है, जहां पर पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने अलग अलग वारदातों का माल बड़ी मात्रा में बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर श्री अमित सांघ के नेतृत्व में एवं राजेश डंडोतिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर पूर्व के निर्देशन में एवं ऋषिकेश मीणा नगर पुलिस अधीक्षक मुरार के द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी मुरार द्वारा चार नकबजनों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ करने पर थाना मुरार से फरियादी प्रमोद बघेल पुत्र श्री पोखन सिंह बघेल उम्र 30 वर्ष निवासी गुलाबपुरी के घर हुई बर्तन कपड़े और जेवरात की चोरी के मामले के साथ ही तिरुपति नगर बड़ा गांव मुरार से चोरी किए गए जेवरात कीमत करीब 5 लाख रुपए, थाना विश्वविद्यालय क्षेत्र से चोरी की गई स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थाना थाटीपुर तथा सिरोल से चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पकड़े गए आरोपियों की गिरफ्तारी में उपनिरीक्षक के पराशार साथ ही में सहायक उपनिरीक्षक राधे श्याम शिवहरे और साथ ही मकरंद तोमर, आरक्षक अरविंद तोमर, राजू मोगिया और लेखराज की सराहनीय भूमिका रही। ये तीन नकबजन पकड़े हैं और उसमें एक मोटरसाइकिल चोरी पकड़ा है। कुल मिलाकर चार आरोपी को पकड़ा गया है, जो जिसमें कि मुरार थाने में दो चोरियां हुई थी, जो बड़ा गांव गुलाबपुरी में, तो उसका मसरूका जब्त किया गया, जिसमें लगभग 5 लाख के सोने के आभूषण गए हुए थे, तो वो रिकवर की गए। प्लस एक घर में जहाँ की उसने अपने कपड़े वपड़े लेके आया था, शादी की तैयारियाँ चल रही थी उसके यहाँ, तो वो सारी चीज़ें जो प्रिपरेशन थी शादी की, तो उसका मसरूका भी उनसे जब्त किया गया है। और इसके अलावा एक मोटरसाइकिल जो विश्वविद्यालय थाने से गई थी, उसको भी इनसे जब्त किया गया। कुल मिलाकर इनसे तीन घटनाएं अभी ट्रेस हुई हैं, अभी और चूँकि इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, और कुल मिलाकर 6 लाख का मसरूका इनसे जब्त किया गया है। इनको PR पर लिया जाकर इनसे और भी घटनाओं के संबंध में पूछताछ किया जाएगा। तीनों घटनाएं अलग अलग थाने की? हाँ, निश्चित रूप से विश्वविद्यालय की एक घटना है और दो जो घटना है वो बड़ा गाँव की है, इनके यूनिवर्सिटी सिरोल में भी इनके। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।